दोस्तों एक बार पुनः आपका मेरे आमंत्रण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अंटार्कटिका ओजोन डिप्लेशन पे लेके आऊँगा, तो इस टॉपिक को मैंने एक विस्तृत रूप दे दिया। और इस टॉपिक में ना केवल अब हम लोग अंटार्कटिका ओजोन डिप्लेशन पढ़ेंगे, बल्कि पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप के सांगोपांग अध्ययन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है पीटी के और मेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और इस महाद्वीप के अध्ययन के क्रम में आप एक तरीके से समझ लीजिए कि जो प्रादेशिक भूगोल का मानचित्र हम लोग पढ़ते हैं, जो ट्रेडिशनल और जो जिसमें कंटेम्परेरी दोनों सेक्शन शामिल है, उस तरीके से हम लोग प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन की हमने शुरुआत की है। तो आप मान के चलें कि अब समसामयिक विषयों के साथ साथ प्रादेशिक भूगोल के वीडियो भी हम समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस कड़ी की जो शुरुआत हमने किया है वो अंटार्कटिका महाद्वीप से किया है, और अंटार्कटिका महाद्वीप के अध्ययन के लिए हमने इसको क्या किया है कि 5 सेक्शनों में बांट दिया है। और ये जो 5 सेक्शन है अंटार्कटिका महाद्वीप का, ये 3 वीडियो में आपके सामने आएगा। आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं एक सुझाव दूंगा कि जब आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठेंगे तो देखने क्रम में एक कॉपी पेन अपने पास आप रखेंगे, और जो भी आपको उपयोगी लगे पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से इस वीडियो को देखते हुए आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ताकि वो अस्थायी रूप से आपके पास एक नोट्स के रूप में रह जाए। तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप 3 वीडियो की श्रृंखला में होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस वीडियो में क्या क्या होगा। ये जो महाद्वीप है, तो जैसे मैंने पहले लिख दिया है अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसमें हम लोग इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप का इतिहास कैसे कैसे ये आया है। दूसरा हम लोग इसके महत्व विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा भारत का जो अंटार्कटिका मिशन और उसका उद्देश्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो अंटार्कटिका ओजोन विनाश है उसके बारे में, और पांचवा जो अंटार्कटिका संधि है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहले वीडियो में हम लोग इसके परिचय तथा महत्व और विशेषता के बारे में देखेंगे। इसके दूसरे वीडियो में हम लोग भारत का अंटार्कटिका मिशन और उसका उद्देश्य, इसको मैंने एक अलग वीडियो में बना दिया है, क्योंकि ये भारत के लिए पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी है, स्टेट पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। और तीसरे वीडियो में अंटार्कटिका ओजोन डिप्लेशन और अंटार्कटिका संधि को हमने शामिल किया है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक हो चुका है, और 3 वीडियो की श्रृंखला के रूप में आपके ये सामने आएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका इतिहास किस तरीके से है, कैसे ये शब्द आया है और कैसे इसकी व्याख्या होती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ग्लोब पर समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ग्लोब है, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और ये 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा, जिसको हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश यानी मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी अंटार्कटिक वृत्त, और ये 90 डिग्री साउथ अक्षांश हो जाएगा। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए जैसे हम लोग देखा था पिछले वीडियो में कि जिस तरीके से 66.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र को हम लोग आर्कटिक रीजन कहते हैं, ठीक उसी तरीके से 66.5 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है इसको हम लोग अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। यानी अक्षांश के तौर पर लैटिट्यूड के दृष्टिकोण से 66.5 डिग्री से दक्षिण का जो अक्षांश है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। वैसे ये जो अंटार्कटिका है ये यूनानी भाषा के अंटार्कटिके शब्द से आया है, और अंटार्कटिके शब्द जो है ये यूनानी भाषा का ही जो एंटार्कटिकोज शब्द है ये अंटार्कटिके का स्त्रीलिंग रूप है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि उत्तर के ठीक विपरीत। उत्तर के ठीक विपरीत का अर्थ हो गया कि जिस तरीके से उत्तर में आर्कटिक रीजन है, ठीक उसी तरीके से उसके विपरीत दक्षिण में क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक रीजन है। तो ये यूनानी भाषा के अंटार्कटिकेस शब्द से आया हुआ है। इस महाद्वीप के बारे में यूरोप में टॉलमी के समय से ही परिचय हमें देखने को मिलता है किसी न किसी रूप में। टॉलमी महोदय का कहना था कि जिस तरीके से एशिया है, अफ्रीका है और यूरोप है, इन भूखंडों के संतुलन के लिए दक्षिण में एक बड़े भूखंड का होना आवश्यक है। इस तरीके से टॉलमी के समय से इस महाद्वीप को ट्रेला
या टेरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता था। और इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि टॉलमी के विचारों में हमें समस्थैतिकी का बीजारोपण देखने को मिलता है। समस्थैतिकी में हम लोग भू संतुलन की बात करते हैं, जिस पर आगे चलकर सर जॉर्ज एयरी, प्रैट, हस्किनन, हेमफुट और बेबी जैसे विद्वानों का और उनका सिद्धांत आया। तो टॉलमी ने कहा था कि, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, कि जिस तरीके से यूरोप है, एशिया और अफ्रीका है, इन महाद्वीपों के संतुलन के लिए दक्षिण में एक विस्तृत भूखंड का होना आवश्यक है। तो इस तरीके से टॉलमी के समय से किसी न किसी रूप में दक्षिण में इस महाद्वीप के अस्तित्व का हमें प्रमाण मिलता है। लेकिन इस महाद्वीप के बारे में हमें वैज्ञानिक तौर पर जानकारी सबसे पहले 1820 में रूसी अभियान दल के द्वारा दिया गया। और इस अभियान दल में दो नाविक थे, जिसमें एक का नाम था मिखाइल पेट्रोविच लवारेज और दूसरे का नाम था फैबियन गैटलिए बॉन बेलिंगसन। ये जो दोनों वैज्ञानिक थे सबसे पहले आधिकारिक तौर पर इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे थे और विश्व को इस महाद्वीप के बारे में परिचय कराने का श्रेय इसी रूसी वैज्ञानिक दल को जाता है। लेकिन इस महाद्वीप के बारे में अंटार्कटिका शब्द का प्रयोग 1890 में किया था सर्वप्रथम ये जॉन जॉर्ज बार्थेल्यूम है। ये जो जॉन जॉर्ज बार्थेल्यूम है एक स्कॉटिश मानचित्रवेत्ता थे और इन्होंने ही सबसे पहले इस महाद्वीप के लिए अंटार्कटिका शब्द का प्रयोग किया था। तो अंटार्कटिका शब्द हमें कब से मिलना शुरू हो जाता है, 1890 से, और किसने इसका प्रयोग किया था, तो जॉन जॉर्ज बार्थेल्यूम। ये कौन थे, तो एक स्कॉटिश मानचित्रवेत्ता थे, नक्शा नवीस थे ये। ये जो महाद्वीप है इतना परिचय हो जाने के बावजूद भी क्या था कि चूंकि इसका जो है सो एक निर्जन धरातल है, प्रतिकूल जलवायु है और मुख्य भूमि से काफी दूर है, इसलिए ये मानवीय पहुंच से काफी लंबे समय तक बाहर रहा था। लेकिन जब मानव का इस पर परिचय हुआ तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे हिमन गतिविधियां बढ़नी शुरू हुई। तो आइए इस परिचय के बाद अब हम लोग इसके दूसरे सेक्शन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो पीटी और मिन्स दोनों के लिए उपयोगी है, इस महाद्वीप के महत्व और उसके विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके महत्व और विशेषता को हमने पॉइंट वाइज रूप में कर दिया है और जब भी आपको स्मरण में रखना हो, किसी एग्जाम में लिखना हो, तो आप इसी तरीके से इसके पॉइंट को लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इस महाद्वीप के पॉइंट को या महत्व या विशेषता को हमने क्या किया है कि पहला पॉइंट भूगर्भिक दृष्टिकोण से ले लिया है, दूसरा पॉइंट हमने इसमें जलवायु के दृष्टिकोण से ले लिया है और जलवायु हमने चार पॉइंट को रखा है, एक तापमान है, दूसरा वनस्पति है, तीसरा वर्षण है और चौथा क्या है, पवन है। वैसे जो आर्द्रता है और जो वायु राशियां होती है ये भी मौसम और जलवायु के तत्व होते हैं। तो मौसम कहीं के मौसम और जलवायु का निर्धारण जो होता है इन्हीं छह तत्वों के सहारे होता है। कौन कौन है, तापमान है, वनस्पति है, वर्षा है, पवन है, आर्द्रता, वायु राशि। और जब हम तापमान और पवन को शामिल करेंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों का आउटपुट जो होता है ये वायु दाब हो जाता है। तो वायु दाब को भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं। फिर इसका तीसरा जो हमने पॉइंट लिया है बसाव के दृष्टिकोण से, ह्यूमन शेल्टर के दृष्टिकोण से। फिर अगला पॉइंट है इसमें संसाधन के दृष्टिकोण से। फिर अगला पॉइंट है विज्ञान के दृष्टिकोण से। और फिर अगला पॉइंट है अन्य कुछ जो फैक्चुअल सेक्शन है इस महाद्वीप के बारे में, इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो भूगर्भिक दृष्टिकोण से जो ये महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैंजिया के विभाजन से पहले दो बड़े भूखंड का निर्माण हुआ था और पैंजिया के विभाजन से एक महासागर अस्तित्व में आया था। बेसिकली उसको हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं, जो टेथिस जियोसिंक्लाइन कहलाता है। तो टेथिस जियोसिंक्लाइन के उत्तर का जो भाग है वो अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिण का जो भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो गोंडवाना लैंड में आज हमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका आता है। तो भूगर्भिक दृष्टिकोण से जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भूभाग है। दूसरा पॉइंट जो जलवायु के दृष्टिकोण से है, तो तापमान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बड़े दृष्टिकोण से हम यहाँ पर रख रहे हैं, ये पृथ्वी का हिममंडल या क्रायोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी का हिममंडल और क्रायोस्फीयर कहलाने के कारण क्या है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से अंटार्कटिका महाद्वीप का विशेष महत्व है। हिममंडल जो होता है वो पृथ्वी के ताप को संतुलित करने का काम करता है, क्योंकि जब बर्फ की सतह पर सौर विकिरण पड़ती है
तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो जहाँ भी आइस लेवल होगा वो पृथ्वी के क्रायोस्फेयर के रूप में काम करता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के 98% भाग पर जो है सो हिम का आवरण है। तो तापमान के दृष्टिकोण से ये पृथ्वी का हिममंडल है और भूमंडलीय तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वनस्पति, तो चूंकि यहाँ पर बर्फ की चट्टाने मिलती है इस भूखंड के ऊपर में, तो यहाँ हमें कोई वेजिटेशन नहीं मिलता, बल्कि जो बर्फ के चट्टानों पर उगने वाले काई, लाइकेन और मॉस जैसे वनस्पतियां हमें मिलती है। उसी तरीके से अगला पॉइंट जो हो जाएगा वर्षा, तो पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 मिलीलीटर है। लेकिन ये जो 200 मिलीलीटर है ये वर्षा तटीय क्षेत्रों में होती है और फिर आंतरिक भागों में हिमपात होता है। वर्षा जो है सो जब अंटार्कटिका महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु होती है तब तटीय क्षेत्रों में, लेकिन शीत ऋतु में यहाँ जो वर्षण का रूप है वो फ्रॉस्ट यानी पाला या स्नोफॉल के रूप में हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा जो पवन है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर वर्ष भर ध्रुवीय पवने चलते, यानी कि यहाँ पर ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर पवने चलती है। इन पवनों के कारण कभी कभी यहाँ पर ये पवने काफी तेज गति से चलती है और भंवरदार पवने होती है, तो इनको हम लोग पोलर वर्टेक्स कहते हैं। और इस पोलर वर्टेक्स की उत्पत्ति जब अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर शीत ऋतु होती है उस समय उत्पन्न होते हैं। तो उस पवन के कारण क्या होता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का जो टेम्परेचर होता है खासकर क्षोभ मंडल का, वो टेम्परेचर -80 से -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो इस तरीके से एक विषम जलवायु और एक विषम मौसमी दृष्टिकोण वाला ये महाद्वीप है। बसाव के दृष्टिकोण से यदि यहाँ पर देखा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर कोई अस्थायी बसाव नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर विश्व के कई देशों के शोध और अनुसंधान केंद्र हैं, इसलिए यहाँ पर लगभग हर एक समय 1,000 से लेकर 4,000 तक अस्थायी ह्यूमन शेल्टर है जो अपने शोध कार्यों में लगे हुए हैं। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे संसाधन के दृष्टिकोण से। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एक दुर्गम जलवायु होने के कारण, संसाधन न होने के कारण ये मानवीय पहुंच से काफी समय तक दूर रहा था, लेकिन नए शोध ये कहते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में जो है यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस बर्फ के चट्टानों में दबे होने की संभावना है। एक दूसरा जो यहाँ के 98% भागों पर बर्फ है, तो बर्फ जो होता है वो स्वच्छ जल का स्रोत होता है। तो जल संसाधन के दृष्टिकोण से इस महाद्वीप का विशेष महत्व है, और हम जानते हैं कि पूरा विश्व अभी जल संसाधन या जल के क्राइसिस से गुजर रहा है, वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आने वाले समय में जल संसाधन के दृष्टिकोण से इस महाद्वीप के महत्व में और वृद्धि होने की संभावना है। फिर जो विज्ञान है, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये महाद्वीप जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे अंटार्कटिका संधि है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, शोध और अनुसंधान के लिए समर्पित महाद्वीप है, इसलिए हम लोग इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप ही कहते हैं। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और हो जाएगा जिसमें हम लोग कहेंगे प्राणी, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मुख्य प्राणी कौन है। तो यहाँ पर जो मुख्य प्राणी हमें मिलता है वो पेंगुइन मिलता है, व्हेल मिलता है, सील मिलता है और क्रील मछलियां मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो प्राणी प्लैंकटन यानी जू प्लैंकटन होते हैं वो भी मिलते हैं, क्योंकि जो पेंगुइन है उसका भोजन प्राणी प्लैंकटन और जू प्लैंकटन है। इस महाद्वीप पर पाया जाने वाला जो इम्पेरर पेंगुइन है वो अति शीत ताप पर भी पूरे महाद्वीप पर हमें मिलता है। तो ये यहाँ के मुख्य प्राणी है। इसके अतिरिक्त अन्य पॉइंट जो कुछ फैक्चुअल सेक्शन इस महाद्वीप का, तो चूंकि इस महाद्वीप का 98% भाग जो है वो बर्फ से आच्छादित है, केवल 2% भाग ही बर्फ से मुक्त है, इसलिए हम लोग इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। दूसरा, हम लोग इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो वनस्पति और क्लाइमेटिकल कंडीशन है, जो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता है वो मरुस्थल के जैसा ही है, तो इसलिए हम लोग इसको शीत मरुस्थल भी कहते हैं। तीसरा, जो ये महाद्वीप है इस महाद्वीप पर हमें एक क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी मिलती है। ये जो क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी है अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर एक माउंट एबुर्स ज्वालामुखी है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर यहाँ पर एक विंसन मैसिफ पिक है जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है,
और ये विंसन मैसी पिक जो है ये माउंट एल्बर्ट श्रेणी में अवस्थित है। और फिर एक याद रखेंगे, पाल्मर द्वीप है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इस महाद्वीप का 98% भाग जो है वो बर्फ से आच्छादित है, केवल कुछ ही भाग जो है सो बर्फ से मुक्त है। उसमें एक पाल्मर द्वीप है अंटार्कटिका का, जो कुछ हद तक बर्फ से मुक्त है। इसके अतिरिक्त ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के पास हमें एक ड्रेक पास पिछले दिनों में चर्चा था, तो ये आप याद रखेंगे कि ये ड्रेक पास जो है दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष और अंटार्कटिका के शेटलैंड द्वीप के मध्य है। ये ड्रेक पास किसके किसके बीच है, तो दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष और अंटार्कटिका के शेटलैंड द्वीप के मध्य है, और ये प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ता है। ये दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर एक अभियान भेजा गया था, तो उसके कारण ये चर्चा में, तो हो सकता है कि किसी एग्जाम में आने वाले समय में ये पूछे। तो आप याद रखेंगे इस पास को, पास होता है एक ऐसा जलीय क्षेत्र होता है, नैरो जलीय क्षेत्र, जो दो बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़े और दो भूखंडों को अलग करे, उसको हम लोग पास, चैनल, जमडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। तो ड्रेक पासेज इसी रूप में हमें ये मिलता है। तो इस तरीके से जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, और बदलते हुए जलवायु परिवर्तन का अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो वहाँ के प्राणी और अन्य चीजों को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में जब हम लोग अंटार्कटिका ओजोन विनाश पढ़ेंगे तो उस वीडियो में हम शामिल करेंगे। अभी तक जो महत्व और विशेषता था उसमें फिर से हम पॉइंट रिपीट कर देते हैं आपको। एक भूगर्भिक दृष्टिकोण से देखा हम लोगों ने, एक यहाँ के जलवायु और मौसम के दृष्टिकोण से देखा, तो इसमें तापमान, वनस्पति, वर्षा, पवन की क्या दशाएं होती है वो देखा, फिर बसाव के दृष्टिकोण से देखा, फिर संसाधन के दृष्टिकोण से देखा, फिर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा, फिर प्राणी के समुदाय के दृष्टिकोण से देखा, और कुछ जो अन्य फैक्ट है यहाँ पर उसके दृष्टिकोण से हम लोगों ने इस महाद्वीप के बारे में देखा है। अब अगले वीडियो में हम, जैसे मैंने पहले ही बताया कि भारत का अंटार्कटिका मिशन और उसका उद्देश्य के बारे में आपके सामने आएंगे, और फिर इसके तीसरे वीडियो के रूप में अंटार्कटिक ओजोन विनाश और अंटार्कटिक संधि के ऊपर हम एक वीडियो लेके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। आप इसे सुनेंगे और अपने कॉपी में इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए घर में स्टे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस पैंडेमिक स्थिति में ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।